जागरूक समाज का निर्माण करने के लिए यह सेवा संगम का आयोजन, चुनाव आते हैं चुनाव जाते हैं, इसका चुनाव से बिल्कुल कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। निस्वार्थ भाव से सेवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। आज राजधानी जयपुर में आरएसएस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है। दरअसल यहां पर राष्ट्रीय सेवा भारती की ओर से राष्ट्रीय सेवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम 3 दिवसीय है। वहीं फिलहाल हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय सेवा भारती के सचिव डॉक्टर राम कुमार हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ इस कार्यक्रम को लेकर कहेंगे? यह जो कार्यक्रम है ये सेवा संगम है, यानी कि सेवा करने वाली संस्थाओं के पदाधिकारियों का संगम। ऐसे संस्थाएं जो सेवा कार्य लगातार करती हैं वह एक दूसरे से प्रेरणा ले सकें और अपने क्षेत्र में जाकर वापस अधिक ऊर्जा से समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अच्छे अच्छे और नए नए सेवा कार्यों को प्रारंभ कर सकें, जिससे कि समाज के अंदर जो अभी तक शिक्षा का अभाव है, रोजगार का अभाव है और सामाजिक कुरीतियां हैं, ऐसे सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, जागरूक समाज का निर्माण करने के लिए यह सेवा संगम का आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर 5 वर्ष में एक बार और प्रांत स्तर पर 5 वर्ष में एक बार, फिर जिला स्तर पर 5 वर्ष में एक बार, ऐसे सेवा संस्थाओं का सेवा संगम जो समाज में सेवा कार्य करने वाली निस्वार्थ बुद्धि से काम करने वाली संस्थाएँ हैं उनके पदाधिकारियों का सेवा संगम होता है। और उस सेवा संगम के अंदर वह सब लोग अपने अनुभवों को साझा करते हैं और नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सर, चुनावी साल है, इसमें क्या कुछ रणनीति भी यहाँ से तैयार हो रही है? यह एकदम शुद्ध सेवा है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आते हैं चुनाव जाते हैं, क्योंकि ये समाज के एक ऐसा विषय है जिसमें कि समाज को खड़ा करने का विषय है, इसका चुनाव से बिल्कुल कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। डॉक्टर राम कुमार को आपने सुना, फिलहाल हमारे साथ संघ से ही रेणु पाठक मौजूद है। मैम, क्या कहेंगे पूरे कार्यक्रम को लेकर? ये अपना तृतीय राष्ट्रीय सेवा संगम था और इसका अभी उद्घाटन आप सबके सामने हुआ है। सेवा में काम करने वाले अपने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और मणिपुर से लेके अपने द्वारिका तक, इस तरह सभी क्षेत्रों से कार्यकर्ता आए हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र में कोई छोटा कोई बड़ा, इस तरह से सब लोग सेवा का निस्वार्थ काम करते हैं और इसीलिए वो भाव, वो भावना, वो करुणा आपने सब आज सुना भी और देखा भी। और जिस प्रकार के उद्बोधन माननीय पूज्य सरसंघ चालक जी द्वारा दिया गया कि निस्वार्थ भाव से सेवा, तो कर तो रहे ही हैं सब लोग, लेकिन और स्पष्टता और अधिक भाव जागृत करना जो अपने सबका उद्देश्य भी रहता है वो यहाँ बिल्कुल पूर्ण हुआ। और अगले 3 दिनों में जो काम अपने अपने क्षेत्रों में लोग कर रहे हैं उस काम का आदान प्रदान, अनुभवों का आदान प्रदान और नई नई चीज़ों को सीखना, चाहे वो प्रदर्शनी के माध्यम से हो, चाहे वो स्टॉल्स के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है, तो वो सब लेकर लोग जाएंगे और अपने कार्य क्षेत्र में अपनी जगहों पर नए जोश के साथ में काम करेंगे। तो जैसा कि आपने डॉक्टर राम कुमार और उनके साथ ही रेणु पाठक को सुना, यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा संगम का आयोजन यहाँ पे किया गया है। इसका उद्देश्य बताया जा रहा है कि विभिन्न सामाजिक कार्यों को लेकर जो जो संगठन बने हुए हैं वो किस तरीके से सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करें, उसके लिए यहाँ पर प्रेरणा दी गई है। जब चुनाव की बात इनसे की गई तो इनका यही कहना है कि इस पूरे आयोजन का चुनाव से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि कई बीजेपी के बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद रहे और उनके साथ ही कई अन्य बीजेपी कार्य कर्ता भी मौजूद रहे। फिलहाल मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह भाटी के साथ पंजाब केसरी, राजस्थान।